कोरोना वायरस महामारी कारण देश इस समय लॉकडाउन जारी है। लोगों के घर के बाहर निकलने पर भी पाबंदी है। कोई बड़ा प्रोग्राम भी नहीं हो रहा, पर इन सब पाबंदियों के बावजूद अज कर्नाटक के सबका मुख्यमंत्री ते जीडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी के पुत्र निखिल कुमार स्वामी का विआह बेंगलुरु के रामनगर च काफ़ी शाही तरीके होया, जिथे मीडिया के जाण ते पाबंदी लाई गई सी। इस विआह नूं लैके कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक पास जिथे देश भर में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उत्थे दूजे पास इस तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट वेखण नूं मिल रहा है। मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी के पुत्र निखिल ने कांग्रेस सरकार च मंत्री रहे एम कृष्णप्पा की भतीजी रेवती नाल विआह के बंधन च बच गए ने। रामनगर के एक फार्म हाउस शाही विआह का आयोजन किया गया, तो इस दौरान 30-40 गड्डियां का इकट्ठ वेख्या गया। स्थानक पुलिस का कहना सी कि परिवार वालों कुछ गड्डिया के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए सन, सिर्फ उन्होंने गड्डिया ही प्रोग्राम में जाने की मंजूरी दी जा रही है। दसा जा रहा है कि लॉकडाउन दौरान इस विआह च मेहमाना की गिणती घट रही, तो विआह दौरान पहुंचे लोग विआह दी रस्म आसानी नाल वेख सकन, इस दे लई वड्डियां टीवी स्क्रीनां भी लगाईआं गईआं ने। जिक्र योग है कि लॉकडाउन कारण केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइनज जारी कीतीआं ने, उस अनुसार किसी भी वड्डे प्रोग्राम के आयोजन नूं मंजूरी नहीं दी जाणी है। हालांकि जदों एच डी कुमार स्वामी तो इस संबंधी पुछा गया तो उन्होंने कहा कि विआह नूं लैके पास सारे तरह के मंजूर करवाए गए हैं। इस तो इलावा डॉक्टरों तो भी सलाह ली गई है। सूबा सरकार वालों इस विआह च सिर्फ 70 तों 100 लोगों की मौजूदगी मंजूरी दी गई है। इस दे नाल ही सूबा सरकार वालों विआह की वीडियोग्राफी भी की गई है, जिस द्वारा इस गल का ध्यान रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई है जां नहीं। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी, पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सुने पंजाब अते देश नाल, हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी।